हर अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं कौन? राहुल जी टांग अड़ाते हैं। अच्छा, मोदी जी 15 साल में 50 साल इंडिया को आगे लेके गए। मोदी से अच्छा हमने तो कोई लागता ना, भाई ने किया गया, हमने नहीं बेरा किया गया इसने, लेकिन मोदी ने जो काम करे हैं और ना कर सकता कोई। हाँ, 24 में 100% मोदी आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये तूफान है। आप एक भी काम बताओ जो कांग्रेस ने ये कहा हो कि ये अच्छा है। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा तो किसे वोट देंगे? मोदी को हम तो देंगे, मोदी को ही देंगे। तू राहुल गांधी को क्यों नहीं? नहीं नहीं, उनसे हम लोग पसंद नहीं है। नहीं क्यों नहीं है पसंद? नहीं पसंद तो कुछ नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कहाँ से मौका देंगे? केवल मोदी को मौका देंगे, मोदी को मौका देंगे। हमें तो लग रहा है केजरीवाल की लहर है। केजरीवाल की लहर? हाँ जी। केजरीवाल का तो अभी नाम ही नहीं आ रहा, लोग ले ही नहीं रहे। लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ये काम करें अच्छा तो इन पे नाम लगाया जा रहा है, एक दिन इन्हीं का नाम होगा। उससे अच्छा केजरीवाल है दिल्ली में, जैसे देख लीजिए आप लोग। किससे अच्छा? मोदी से अच्छा, हम लोग वेस्ट मानते हैं, वेस्ट सीएम। बेटा मैं ऐसा है, पॉलिटिशियन आदमी नहीं हूँ और मैं सिर्फ जनता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चेंज आया है इस 8-10 साल में, बहुत चेंज आया है जो एक आम आदमी को भी चाहिए था, वीआईपी कल्चर से छुटकारा और आम आदमी की गिनती। अभी देखो हम राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन जो था, अब उसका वो बना दिया, हम नाम बदल दिया गया तो अमृत वो हो गया। तो अब ये ऐसा सभी जगह अच्छा लगता है, अब इंडिया गेट का था तो अब वो वहाँ पे अब देख के आए हम नया, तो ये सब बदलाव जो हैं, ये छोटे छोटे बदलाव हैं जहाँ पे खड़े हैं, कर्तव्य पथ है, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी बात है, और इसी बदलाव में ही तो अच्छा लगता है। सभी 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 इस पृथ्वी पे बदलाव तो चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बदलाव नहीं चाहता हो, बदलाव तो चाहिए, अच्छा लगता है। मतलब पहले से बदलाव हुआ, अच्छा हुआ है देश, अच्छा हुआ है, हाँ बहुत अच्छा बदलाव है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है नहीं, देखो उसको कहना भी नहीं, उसको कहना चाहिए। अब वो अपोजिशन में जो भी होगा वो अपोजिशन में यही तो कहेगा। आप एक भी काम बताओ जो कांग्रेस ने ये कहा हो कि ये अच्छा है। चलो आप बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विपक्षी दल एक भी बताइए कि जो ये कहा हो कि इस 8-10 साल में ये काम अच्छा हुआ है, इसका मतलब अच्छा ही नहीं हुआ क्या? ठीक है, कभी ये भी अपोजिशन में थे, आज बहुत अच्छा है, ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए। भाई बीजेपी आएगी, मोदी आना चाहिए, मोदी से अच्छा हमने तो कोई लागता ना, भाई ने किया गया, हमने नहीं बेरा किया गया इसने, लेकिन मोदी ने जो काम करे हैं और ना कर सकता कोई। हाँ, 24 में 100% मोदी आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये तूफान है, तूफान है। हाँ 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 हाँ, और ये 24 में आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है नफरत की राजनीति करते हैं। नहीं, वो कुछ भी आरोप लगाओ, वो लगाओ कुछ भी आरोप, उनका बीजेपी का तो कहना है, उनके सामने खड़ा कौन है बताओ आप? क्या कह रहे थे सर आप? सामने कोई ढंग का नेता नहीं है तो इसलिए मोदी ही आएंगे सामने। अच्छा, तो मतलब कि जनता की मजबूरी है कि सामने कोई अच्छा नेता नहीं है इसलिए मोदी जी आएंगे? नहीं नहीं, देखो मजबूरी अपने दम पर आएंगे, जो आप बोल रहे हैं उसमें काफी वो आ रहा है। नहीं, काम तो खैर जीएसटी लगा दिया, धंधा सारा चौपट हो गया, और नोटबंदी के बाद भी कुछ नोटबंदी से हासिल हुआ है, विकास तो हुआ। देखो विकास तो हुआ है, या तो आप कहो कि विकास नहीं हुआ, विकास तो हुआ है, किसको नहीं दिखाई दे रहा, विकास तो हुआ है, और कुछ परेशानियां तो होगी उन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस राज में मजे लिए हैं, कुछ लोगों को तो मजा आएगा ना, वो कैसे कहेंगे, तो अच्छा तो लगेगा, नो डाउट। तो क्या उनको भी मजे आए हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है और भाई जीएसटी लगी है तो उनको थोड़ा फर्क पड़ा होगा, इसलिए वो कह रहे हैं। जो व्यापारी, उनको फर्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? अब हर सरकार की कुछ ना कुछ खामियां तो होती है, मुझे तो कहीं कोई खामी नजर नहीं आई प्यारे। आप अभी कह रहे हैं कि ये फर्क पड़ा है, लोगों पर असर पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है, जो वो कहीं ना कहीं ये खामी ही दर्शाता है। हाँ, उन कुछ लोगों ना, उनकी काउंटिंग थोड़ी होगी, जो कुछ लोग हैं, ज्यादा तो लोगों की काउंटिंग हुआ ना, जो विकास हुआ है, अच्छा लगा है, जिनको बहुत बहुत आनंद में है, और जबकि डायरेक्ट कोई बेनिफिट भी नहीं है ऐसा, लेकिन एक विकास हुआ है, एक काबिले तारीफ विकास हुआ है, और इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत अच्छा एफर्ट्स है, बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं सभी उस टीम को धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने इतना विकास में अपना योगदान दिया है, और परमात्मा करे कि अच्छा हो और भी अच्छा हो। 2024 में क्या लगता है किसकी वापसी होगी? स्पष्ट रूप से मोदी जी हैं, बीजेपी सरकार है, कोई चांस ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, वो देखो होता है ये छोटे मोटे दावे, ये तो कौन नहीं करेगा, स्ट्रीट प्लेयर जो होता है वो भी दावे करेगा।
वो भी दावे करता है, इसका मतलब क्या? नीतीश कुमार और बाकी कुछ भी नहीं, बच्चे हैं, ऐसे छोटे मोटे बच्चे हैं, करना चाहिए। सामने कोई ढंग का नेता नहीं है, सामने कोई ढंग का नेता नहीं, मतलब मोदी जी की टक्कर का। हाँ, मोदी जी की टक्कर का। चलिए, मोदी जी के चार काम, मतलब भाजपा के और मोदी जी के चार काम ऐसे बताइए जिनसे आप सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं। मेरे को तो देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी, सबसे बड़ा तो ये काम है। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही थी अग्निवीर योजना ले आए, बच्चों का फ्यूचर खराब होगा, जिनका सपना चार साल के लिए किया है उसी टाइम में बच्चे बनते बिगड़ते हैं। इन्होंने तो अच्छा किया, चार साल कुछ अच्छा ही कमा लेंगे, उसमें से 25% तो आपको अच्छी उसमें जाएंगे ही, फौज में ही जाएंगे। तो बाकी 75% उनका भी सवाल उठता है जो पहले पूरी भर्ती होती नहीं ना से, तो बिल्कुल जो ना से तो उससे तो बहुत अच्छा। आप ये सोचो ना, अगर जो भी नहीं मिलता तो फिर यहाँ कोई चिल्ड्रन पार्क है तो आप वो तो आप समझेंगे ना, वो तो आप देखेंगे कि आप जो बिल्कुल ही नहीं होती है योजना, फिर तो इससे कंपेयर करो ना, तो इससे तो अच्छा है ना कि उन लोगों को कुछ रोज़गार मिला और फिर इस लायक हो जाएंगे, इस लायक भी हो जाएंगे कि वो संभल सके, जान सकें, कर सकें, और फिर इनका फ्यूचर भी तो दिया है कि इसका सब्स्टिट्यूट ये है कि आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा, इसका जो आप इस चार साल इसमें गए हैं तो इसका लाभ भी तो मिलेगा। वो किसको मिलेगा? वो लाभ भी मिलेगा। आप कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है बड़ा दावा कर रही है, अभी हाल ही में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है पूरी, उन्होंने कहा कि काफी बदलाव हुआ है, चाहे कांग्रेस की छवि हो चाहे राहुल गांधी की छवि, बहुत बदलाव हुआ है। कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं। आपको नहीं लगता कोई बदलाव हुआ? नहीं नहीं, कोई कह रहे हैं कि काफी बदलाव कह रहे हैं लोग हो गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल श्योर नहीं, हम तो बिल्कुल श्योर नहीं है, आएंगे तो मोदी। क्यों ऐसा लगता है आपको इतने, मतलब राष्ट्रीय स्तर के? देखो राष्ट्रीय तो कोई है ही नहीं, राष्ट्रीय बताओ कोई है तो आपके हिसाब से, मतलब राष्ट्रीय स्तर? नहीं 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 नहीं, राष्ट्रीय दर कहीं से वो कुछ भी बोल देते हैं, वो क्या नाम है राहुल गांधी, कुछ भी बोलते थे, उनको पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुछ भी बोल देते, कुछ भी बोल देते। मतलब संतुष्ट है आप बीजेपी से? मतलब बदलाव नहीं देखना चाहते? नहीं, बदलाव हो तो अच्छी बात है, लेकिन सामने ढंग का नेता तो हो, जितना बदलाव होगा उतने देश प्रगति करेगा, लेकिन अच्छा बदलाव। हाँ, अच्छा बदलाव अवश्य है। अच्छा, बनारस से हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है सब, मोदी जी को ही लाइक करते हैं, वही आएंगे। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वहाँ का जो नेता है, मतलब जनता है, वो सब जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम ऐसा है, उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है, काम बोलता है। अच्छा, तो आपको लगता है, मतलब मोदी जी की क्यों लगता है सर, ऐसे क्या क्या काम है जिनसे आप खुश हैं, मतलब मोदी जी के? जितना भी काम किए हैं उन्होंने, कश्मीर से लेकर के और जो है कि आपका ये क्या बोलते हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी जो भी काम किए हैं, देश के हित में, वो सब एक नंबर काम किए हैं। तो आप मतलब संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट, 16 आने 100%। विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि जो है, विपक्षी तो विपक्षी है, उनका तो काम ही वही है, उनका तो काम ही वही है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है कुछ नहीं। कब कब नहीं बढ़ती थी? नहीं बढ़ती थी, नहीं कब नहीं बढ़ती थी, नहीं 14 से पहले नहीं बढ़ती थी। सिलेंडर के दाम देखिए, अरे सिलेंडर के दाम हम पूछते हैं, उसके पहले तो सिलेंडर था ही नहीं, था ही नहीं, था ही नहीं, अब है, अब है, अब तो पहले तो गांव में था नहीं, अभी तो गांव-गांव में हो गया, उज्ज्वला योजना के तहत पहले तो सिर्फ सिटियों में था, अभी तो गांव में सब आ गया। राहुल गांधी भी दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का? बनने दीजिए, दावा तो बहुत कर रहे हैं नीतीश से, यात्रा पूरी करके आए हैं अभी हाल ही में, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, नहीं मतलब निकलता, कह रहे हैं मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, कहने को तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, उससे क्या होता है? तो आपको क्या लगता है, क्या विचार है आपके राहुल गांधी का, नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? सवाल ही नहीं उठता है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको नहीं लगता एक मौका देना चाहिए? मौका है क्या, वो आदमी तो किसी लायक है नहीं, किसी लायक है नहीं, किसी लायक नहीं है, किसी लायक। क्या कह रहे हैं अंकल जी? हर अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं। कौन? राहुल जी टांग अड़ाते हैं। अच्छा, मोदी जी 15 साल में 50 साल इंडिया को आगे लेके गए। अच्छा, 50 साल आगे ले गए, 50 साल आगे लेके गए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। जो 37 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में करके दिखाए, 8 साल में करके दिखाया, बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। विपक्षी दल जो दावा कर रहे हैं इस बार, तो मतलब सब गलत है, सब गलत। अभी बात ऐसा, अभी वो लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, वो लोग ऐसे ही बोलेंगे। बनारस से हैं? बनारस तो संतुष्ट हैं वहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, बनारस में कितना डेवलप किए हैं, आप चले जाइए तो ऐसा लगता है, बनारस में ना काशी पे चले जाइए तो ये दिल्ली फेल लगता है, इतना डेवलप किए हैं, इतना डेवलपमेंट। हाँ, आंटी जी भी मौजूद है जी। आंटी, क्या लगता है, आप भी तो बनारस से हैं, विकास हुआ है? बहुत हुआ है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, हकीकत है। अच्छा, हकीकत है, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, सही में हुआ है। मैं का पैदावार? अच्छा, आप वहीं की पैदा? मैं का है मेरी। अच्छा,
चुका है तो, और देश के उसमें बहुत है। हम लोग घर घर के लैट्रिन कर दिए, घर घर के हर चीज कर दिए, शौचालय बनाया है, शौचालय हर चीज, गाँव गाँव सब लोग बहुत खुश है। हम लोग तो मेरा गाँव का पूरा देश इंडिया भी खुश है। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा तो किसे वोट देंगे? मोदी को हम तो देंगे, मोदी को ही देंगे। तू राहुल गांधी को क्यों नहीं? नहीं नहीं, उनसे हम लोग नहीं, क्यों नहीं है पसंद? नहीं पसंद, कुछ नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कहाँ से मौका देंगे? केवल मोदी को मौका देंगे, मोदी को मौका देंगे। बुराड़ी दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से ही है। हाँ जी। तो 2024 का चुनाव नजदीक है, अब अगले साल ज्यादा कुछ महीने रह गए हैं, सब तैयारी में जुटे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी अब दोबारा से? हमें तो लगता है मोदी जी का बनेगा, क्योंकि वेव अभी भी बरकरार है। क्यों लगता है मोदी जी की बनेगी? मे बी लाइक रिलेशनशिप और उनकी जो पॉलिटिक्स व्यू है वो काफ़ी अच्छी है, और पार्टी के साथ बहुत सारा जो ना वो टाई अप करते रहते हैं, तो रणनीति सही है, रणनीति अच्छी है, स्ट्रेटजी अच्छी है। हाँ। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि नफरत करते हैं, नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच, बेरोजगारी, पॉलिटिक्स वगैरह में ये तो चलते रहता है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन आप संतुष्ट हैं मोदी जी से? हाँ, काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। हमें तो लग रहा है केजरीवाल की लहर है। केजरीवाल के? हाँ जी। केजरीवाल का तो अभी नाम ही नहीं आ रहा, लोग ले ही नहीं रहे। लेंगे, बिल्कुल लेंगे, ये काम करें अच्छा तो इन पर नाम लगाया जा रहा है, एक दिन इन्हीं का नाम होगा। जब हम अच्छा काम करते हैं तो लोग आरोप लगाते हैं। यही एक पार्टी है जो बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, एक लेवल पे, दो लेवल पे बढ़कर, एक स्टेट में, दो स्टेट में, ऐसा इन्होंने काम किया है। तो आएगी तो इन्हीं की आएगी। बीजेपी भी थी, इनकी बहुत लेट से आई है, सरकार आई है पर सत्ता में बहुत लेट आए हैं, और ये इन्होंने छोटे पार्टी से स्टार्ट किया और बहुत ही तेज लेवल पर ग्रो कर रहे हैं। दिल्ली में तो कह रहे शराब का अड्डा बना देते एक पे एक मुफ्त, पंजाब में कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं होगी शायद आपको। हाल ही में अभी जो खालिस्तान समर्थक जो वो था, उन्होंने गुजरात में शराबबंदी है, फिर भी तो वहाँ मिल रही है ना जी। नहीं, मैं अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए भी है, मुझे जानकारी है, बिहार में भी ये प्रशासन की होती है कि वो बंद करे, फ्री बांटे, इसे जनता को कोई लेना नहीं। काम होना चाहिए, बच्चों के स्कूल बनाए हैं, रोड बनाए हैं, कैमरे लगवाए हैं, पहले दिल्ली में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। महिला का जो फ्री किया गया ना, किसी भी देश में अगर आपको डेवलप करना है तो वहाँ की वुमेन को आपको सशक्त करना है, तो उन्होंने फ्री किया, ये अच्छा एक अपर लेवल काम किया है जो किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है, और एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। एजुकेशन होगा, लोग एजुकेटेड होंगे तो अच्छा काम करेंगे। बीजेपी को हमने देख लिया, बट केजरीवाल को भी एक मौका देना चाहिए। बीजेपी से मतलब संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट उनसे भी है, बट मैं एक मौका केजरीवाल को भी देना चाहिए, नहीं नया आना चाहिए, एक हमेशा अगर रहेगा। उनकी पार्टी उस लेवल की है कि पूरे देश में अपनी वो बना सके सरकार? बिल्कुल बिल्कुल है, काम करेंगे, ऐसा नहीं कि इस बार नहीं जीतेंगे तो अगली बार जरूर जीतेंगे, पर हमें मौका एक बार केजरीवाल को देकर देखना चाहिए। मतलब वोट उन्हीं को देंगे, बिल्कुल जी। पर आप जानते हैं कि इस बार हाँ नहीं आएंगी, बट कोशिश रहेगी हमारी कि जीते वो। हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे, क्यों करेंगे ये भी बता। युवा है इसलिए, युवा है इसलिए जी, युवा है। लेकिन आपको लगता है जिम्मेदार हैं जैसे लोग? जिम्मेदार है, ठीक है ना। हम लोग के लिए मोदी सरकार कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सब चीज बेच चुका है, बेच चुका है। हाँ, देश को खोखला करके रखा है। कैसे बेच दिया? मतलब जैसे कि आप खुद ही देख लो। नहीं बताओ ना, मैं क्या बताने से, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया है, जो भी बहुत सारे देश के जो भी है क्यों रखी है? इससे पहले तो और कोई सरकार तो रखी थी नहीं, ये सरकार क्यों रखी है? रखते हैं नहीं तो फिर भी जो है, जो हम रोटी खाते हैं उसमें जीएसटी दे रहे हैं, दही खाते हैं, दूध खाते हैं उसमें जीएसटी दे रहे हैं, तो फिर ऐसी सरकार को क्या जरूरत है? मतलब आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट बदलाव देखना चाहते हैं जी। आपकी बार कांग्रेस की सरकार होना चाहिए, सरकार होगी। और भी अन्य विपक्षी दल भी है, आपके नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं उससे अच्छा केजरीवाल है दिल्ली में, जैसे देख लीजिए आप लोग। किससे अच्छा? मोदी से अच्छा, हम लोग बेस्ट मानते हैं, बेस्ट सीएम। मानते आप? हाँ, योगी जी को नहीं मानते? नहीं नहीं, कि पड़ोसी राज्य के? नहीं 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 है, मतलब नहीं, दो हमारे लिए जो है तीन ही बढ़िया है, एक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दूसरा जो है अभी उप मुख्यमंत्री जो है, तीसरा जो है अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, समझे, और चौथे में जो है देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ श्री राहुल गांधी जी को। नीतीश जी को तो आरोप लगते रहते हैं दल बदलते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं, उनको सत्ता है तो मजबूरी है, नहीं नहीं मजबूरी है, इधर से उधर होना मजबूरी है उनकी, लालच तो ऐसा नहीं है उसको। अब क्या है, पैर कबर में लटका हुआ है, आज निकलो मर जाएंगे, तो सत्ता से क्या लालच उनको? सत्ता से लालच नहीं? नहीं नहीं, लालच नहीं है। हम लोग उनको जिम्मेदार बनाए हुए हैं, जिम्मेदार के नाते वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर। हाँ, जैसे कि अभी देख लीजिए दहेज लेना देना सब बंद किए हुए हैं, दारू अभी नहीं मिल रही है, अब कहीं अगर मिल रही है दुकान में ओपनिंग नहीं मिल रहा, ठीक है ना,
अब कहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ही कमी है, क्योंकि इधर से उधर आने के लिए वो बॉर्डर पे वही लोग देख रेख करते हैं ना। शराब से भी इतनी मौतें हुई थी, मौत हुई तो इसीलिए हमारे नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार जी बंद किए हुए हैं ना अपने अंदर से। अब उसके जो है रहने वाले देखभाल करने, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना, जिम्मेदारी तो वो अपना उसके अंदर जाता है तो वो कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हाँ करते हैं, करते हैं, हाँ करते हैं, संतुष्ट है मतलब जी। बदलाव देखना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी लोगों से बात करेंगे, तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिलोक सभा।